हु विल कैप्टन ऑस्ट्रेलिया इन दी अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप. देखिए T20 वर्ल्ड कप बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और ऑस्ट्रेलिया को कौन कैप्टन करने वाला है ये एक बहुत सोचने वाली बात रहेगी. ODIs एंड टेस्ट में पैट कमिंस के अंडर ऑस्ट्रेलिया टीम का बहुत ही गोल्डन एरा चल रहा है. इंडिया को इंडिया में हराया, ODI वर्ल्ड कप जीता, WTC फाइनल्स में भी इंडिया को हराया और दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज जो उनके रिस्पेक्टिव फॉर्मेट्स में है, टेस्ट और ODI, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया ने जीत ली है पैट कमिंस के अंदर. और अब ये सोचने वाली बात है कि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, वो ट्रेबल जो तीनों हैट्रिक है ट्रॉफीज की वो कंप्लीट यहां ऑस्ट्रेलिया कर पाएगी नहीं कर पाएगी और कौन कैप्टन करने वाला है उनको. देखिए पैट कमिंस आपको T20 आए में ज्यादा खेलते हुए भी नहीं दिखाई दिया और ना कैप्टेंसी उन्होंने करी है, क्योंकि उसके बाद आप वर्ल्ड कप के बाद भी याद करिए जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी उसमें मैथ्यू वेड आपको कैप्टेंसी करते हुए दिखाई दिए थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से. और T20 फॉर्मेट में ज्यादा अभी एक्सपीरियंस कुछ सालों में पैट कमिंस के पास नहीं रहा है, तो कौन करेगा कैप्टन ऑस्ट्रेलिया टीम को. देखिए उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं, मैक्सवेल है एक ऑप्शन, डेविड वार्नर अभी लेटर एज में है तो वो कैप्टेंसी करते हुए नहीं दिखाई देंगे, स्टीव स्मिथ उनका भी अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट क्रिकेट में तो काफ़ी है, ODI क्रिकेट में भी है, बट T20I में मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रांग नहीं है टीम या इतना स्ट्रांग उनका अप्रोच नहीं है, तो पहले तो प्लेइंग 11 में उनका रहना अभी डाउटफुल है, तो कैप्टेंसी के लिए एक वो भी चॉइस नहीं रहे यहाँ पे. मैक्सवेल एक प्रोमिनेंट ऑप्शन रह सकते हैं उनके लिए, बट उसके अलावा मिचेल स्टार्क ने कभी कैप्टेंसी ज़्यादा ली नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं. और ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं एक हिंट कर दिया है कि कौन कैप्टेंसी करने वाला है अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप में उनके लिए. देखिए अभी वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की तीन टेस्ट मैचेस की, तीन T20 इसकी सीरीज़ हुई थी, उसमें आपको मिचेल मार्श जो है कैप्टन करते हुए दिखाई दिए थे. और मिचेल मार्श जो पिछला वर्ल्ड कप विन था, T20 वर्ल्ड कप विन था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें उनके सबसे अच्छे परफॉर्मेंस निकल के आई थी, सबसे अच्छे परफॉर्मर थे बॉलिंग में बैटिंग में, और वो कमबैक पीरियड के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा. तो अभी इस सीरीज़ में उन्होंने कैप्टेंसी करी, तब पैट कमिंस अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब न्यूजीलैंड सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और उसमें पैट कमिंस है, लेकिन कैप्टन मिचेल मार्श को ही अनाउंस किया गया. और ये बहुत ही एक बोल्ड डिसीजन है यहाँ पे मिचेल मार्श से कैप्टेंसी कराने का, क्योंकि बिग बैश में उन्होंने काफ़ी ट्रॉफीज जिताई है पर्थ स्कॉचर्स को और वन ऑफ द हाईएस्ट है पर्थ स्कॉचर्स इन टर्म्स ऑफ टाइटल, तो मिचेल मार्श ने वहाँ कप्तानी करी है, तो देखते हैं कि कितना ये जो डिसीजन है कितना अच्छा रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए. और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और पैट कमिंस उनके अंडर खेलने वाले हैं यहाँ पे. और एक अच्छा स्टेटमेंट भी आया था मिचेल मार्श का जिसमें वो कह रहे थे कि वो बहुत एक्साइटेड है पैट कमिंस को बताने के लिए कि उनका क्या रोल रहने वाला है T20 फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए आने वाले वर्ल्ड कप में. तो आप हमको ज़रूर बताइए कि क्या ये डिसीजन सही रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कि मिचेल मार्श को एक बोल्ड डिसीजन लेके कैप्टन बनाना या फिर उनको पैट कमिंस के साथ स्टिक करके रहना चाहिए था. बाकी सारी क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ के लिए आप बने रहिए क्रिकेट कंट्री.